99 न्यूज की खबर का हुआ असर। गुमला में अन्नदाताओं के बीच हुआ धान का वितरण, प्रशासन ने धान के बीज की व्यवस्था कराई। 99 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। किसानों ने 99 न्यूज का आभार किया व्यक्त। पहले से डेली आ रहे थे प्रतिदिन, लेकिन धान के बीज नहीं मिल पाए थे। आप लोग काफी प्रयास किए, इस कारण हम लोग आज बीज मिल रही है। अच्छी बात है, आप लोग के प्रयास से आज बीज मिली हम लोग को, धान के बीज। हाँ, काफी दिक्कत हो रहा था, प्रतिदिन आ रहे थे लेकिन धान के बीज नहीं मिल रही थी। हाँ, न्यूज चला तो आज धान मिला, आज मिल रहा है धान। हाँ, नहीं मिलते रहे आज थोड़े, मतलब कल जो न्यूज चला ला उसके बाद हमारे मतलब धान मिले थे, हमें बहुत खुशी। दिक्कत रहे पहले? पहले दिक्कत रहे, आगे आगे घूरत रही, ऑफिस में देखा रही, चक्कर लगा रही, क्यों नहीं मिलते रहे। लेकिन आज तो न्यूज आगे चला ला थोड़ा कल, और बाद में आज मिलत है धान, ठीक लागत है। आज धान तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, पानी गिर गया भैया, और अगर एखन बिजला नहीं छिटे बल कहिया रोप हमारे। ये आज 9 क्विंटल हम लोग कृषि केंद्र बसिया के द्वारा गुमला जिला में बांटा जा रहा है एटिक सेंटर में। ये अड़वंटा 801 है, ये सब्सिडी रेट है इसका 171 रुपया 675 पैसा, उतना किसानों को, एक किसानों को 5 किलो का आदेश अभी हम लोग को देने का, 5 किलो मिलेगा एक किसान। इसके लिए आधार और रसीद का फोटोकॉपी लग रहा है। आप लोग बांट रहे हैं? हाँ। टोटल कितना धान आया है अभी गुमला जिला में? हमको 900 किलो के लिए आया है। नहीं, कल तक तो लोग परेशान था। नहीं, हम लोग को आज से ही मिला है यहाँ। आज से मिला है? हाँ, आज यही आया है। हम लोग आज आए हैं कृषि केंद्र बसिया से, आज यहाँ वितरण कर रहे हैं। खबरों को नहीं चलाता है बल्कि सामाजिक मुद्दों को इस अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि जो लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाए। हम आपको इस बोर्ड को दिखाना चाहते हैं, इस बोर्ड को जरा देखिए। कल तक इस बोर्ड में लिखा हुआ था धान का बीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब वो जो पन्ना है उसे हटा दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कल हमारी चली खबर का असर हुआ है और अब धान के बीज को मंगाया गया है। हालांकि राज्य स्तर पर पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में धान का बीज नहीं आया है, लेकिन बसिया से धान का बीज मंगा कर यहाँ दिया जा रहा है। तो हमें स्पष्ट कह सकते हैं कि हम उन मुद्दों को उठाते हैं। हमारा मकसद केवल खबर बनाना नहीं होता है, हमारा मकसद ये होता है कि जन मुद्दे जो हैं, जन समस्याएं हैं, उसका समाधान हो सके। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ जो भाई मौजूद हैं इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। एक चीज बताइए, कल कितने दिन से धान का बीज नहीं था? लगभग 5 दिन से हम यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, किसान को यहाँ पर भरल देख रहे हैं, आ रहा है, काफ़ी परेशान है वो लोग, और बीज अब तक मिला नहीं है। लेकिन और अगर बीज मिल जाता तो हम लोग समय से डाल देते, बीज नहीं मिलने की वजह से बारिश ज़्यादा हो रहा है और इससे हम लोग बिछड़ा उछड़ा करेंगे तो सही नहीं हो पाएगा हमको लगता है। और अभी जब न्यूज़ वाले लोग आए तो तब से यहाँ पर धान बीज वितरण हो रहा है, अगर आप लोग पहले आते तो शायद पहले मिल जाता। तो इस तरह से आगे नेक्स्ट ईयर इस तरह से नहीं होना चाहिए समस्या, इससे काफ़ी दिक्कत होती है। अगर देना है बीज तो पहले सरकार को दे देंगे ये करना चाहिए, और नहीं देना है तो झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हाँ, किसान लोग को यहाँ पर काफी बुड़बक बनाया। न्यूज़ नहीं चलता तो नहीं मिलता। हाँ, न्यूज़ 5 दिन आए थे, उससे पहले तो न्यूज़ वाला को हम नहीं देखे थे, आज हम आए तो आज आप लोग, हाँ, न्यूज़ चल रहा है तो हमको लग रहा है मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की समस्याएं पूरी तरह से, खास करके आपको बता दूं, मैं गुमला एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पूरी आबादी पूरी तरह कृषि पर आश्रित होती है। ऐसे में खेती करने वाले किसानों को जब बीज नहीं मिलेगा तो आखिरकार कैसे वो सोचेंगे। तो कल जब इस मामले को हम तक पहुँचा गया, लोगों ने जब फोन करके बताया कि यहां पर धान का बीज नहीं मिल रहा है, उसके बाद हमने आया और हमने इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाई और चैनल ने भी इस खबर को प्राथमिकता से चलाई, जिसके बाद कल कई जिला के जो वरीय कृषि पदाधिकारी हैं या अन्य लोग हैं उन्होंने हमसे संपर्क स्थापित किया। उन्होंने हमको बताने की कोशिश की कि धान का बीज जो यहां पर आना है उसके लिए पैसे का जो DD होता है वो लगा दिया गया है, लेकिन उसे आने में विलंब होता है। बावजूद उसके लगातार जो हम लोगों ने खबर को लगाया है और खबर चली है, उसके बाद यहां देखने को मिल रहा है कि धान का बीज उपलब्ध करा दिया गया है और लगातार प्रशासन द्वारा जो लापरवाही बरती जाती है, कई बार कृषि विभाग की ओर से जो समस्याएं पहले समाधान होनी चाहिए उसका समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन हमने जब मुद्दा उठाया, हमने जब इश्यू बनाया इसे, तब जाकर प्रशासन की नाक खुली और सरकार की आंख खुली, उसके बाद यहां पर बीज उपलब्ध कराया गया है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि किसानों के हित की बात करने वाला, किसानों के हित के बारे में सोचने वाला, किसानों के हित का दावा करने वाला सरकार कितना गंभीर है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से छूटते हैं उसके बाद सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है। अभी आप देखेंगे कल जिस तरह से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, अब जानकारी जो मिल रही है उसमें हेमंत सोरेन CM बनेंगे, तो ये उनकी नजर
में प्राथमिकता है। ये प्राथमिकता किसी भी राजनीतिक दल के अंदर नहीं रहती है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो किसान है, वो जिस तरह समस्याओं से जूझ रही है उसका समाधान कैसे किया जाए। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों से अलग थलग होकर हम जन मुद्दों को उठाते हैं, जन समस्याओं को उठाते हैं और उसे अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा केवल स्टैंड होता है, वो खबर होती है, लेकिन हमारे लिए असली सरोकार का जो मुद्दा होता है वो जनता से जुड़ी समस्या होती है। और जिस तरह से धान बीज का मामला आया उसको हमने गंभीरता से उठाया और उसको ना केवल उठाया बल्कि उस समस्या के समाधान को लेकर पहल की और उसका अंजाम सामने है कि लोग खुद अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं कि 99 न्यूज़ की खबर के बाद उन्हें धान का बीज मिलने लगा है। ऐसे में प्रशासन को यह देखना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, किसानों को परेशानी ना झेलना पड़े और दोबारा हमें खबर बनाने के लिए मजबूर ना होना पड़े, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। सुशील कुमार सिंह, गुमला।